대하고 대 달리 대 얘기보다 다른 다른 사례야. मैंने कहा कुछ था, मैंने कहा 7-8 लाख रुपए आवे। हमारे साथ में है रीटा चौधरी, वेल एजुकेटेड, कैलिफोर्निया से इन्होंने MBA किया है। इसके बावजूद क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ है, महिलाओं से बहुत ही स्नेह से मिलती हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कमी रही कि बहुत ही नज़दीकी मुकाबले में उनको हार का सामना करना पड़ा। धन्यवाद। मैं इतना ही कहूँगी कि कार्यकर्ता बहुत सबने बहुत मेहनत करी। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो पुराना BJP का जो रवैया रहा है, हमेशा भाई से भाई को लड़वाने का, समाज में बंटवाने का काम जो करा है, मेरी समझ से जो इन्होंने जो हिंदू कार्ड जो यहाँ पे खेलने की कोशिश करी है, क्योंकि मोहम्मडंस मंडावा में मुस्लिम जो मतदाता हैं बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर हैं, तो उन्होंने कुछ चुने हुए जो कस्बे जिनमें मैं कहना चाहूँगी जैसे मंडावा है, बिसाऊ है, अलसीसर है, मलसीसर है, इनके अंदर इन लोगों ने पूरी तरीके से हिंदू वोट को पोलराइज करने की कोशिश करी और ये एक इन्होंने ये गेम खेलने की कोशिश करी। बहुत हद तक ये सफल नहीं हुए, लेकिन कुछ हद तक सफल हो गए उसके अंदर, उसका कामयाब भुगतना पड़ा। आपके चुनाव से 2 दिन पहले बागियों पे भी बड़ी कार्रवाई हुई, क्या आपको लग रहा है कि चुनाव से बहुत कम समय पहले बागियों पे कार्रवाई होने से नुकसान उठाना पड़ा है? नहीं, मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को आगे के लिए चीज़ को देखना होगा, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, टिकट मांगते हैं, सब वहाँ तक ठीक रहता है कि लोकतंत्र है, सबको अधिकार होता है टिकट मांगने का भी, चुनाव लड़ने का भी, लेकिन फिर ये होना चाहिए कि जिसको मिलते हैं पार्टी उसके साथ सब लोग जुड़ जाएं। सब लोगों की मांग, जनता की जो मांग होती है उसके अनुरूप अगर टिकट मिलती है पार्टी की तरफ से, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और इनको निष्कासन जो हुआ है कुछ लोगों का, वो कांग्रेस हित में ही रहेगा, कांग्रेस से उनको कोई घाटा होने वाला नहीं उनके निष्कासन से। लोकतंत्र में हार और जीत चलती रहती है, लेकिन इसके बावजूद रीटा चौधरी की अपने क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ है, उनके दरवाजे अभी भी आगे के लिए खुले हैं। ETV के लिए विकास पूनिया, झुंझुनू। जीत सकता है ऐसा हर बार संभव नहीं, क्योंकि निर्दलीय निर्दलीय होता है और पार्टी का सहयोग पार्टी का ही होता है, तो मैं ये तो लोगों की जनता भावना है, जो पार्टी के वोट भी तो अलग से वो निर्दलीय होते हुए वो नहीं मिल पाते, जैसे पिछली बार भी पहले 13,000 वोट कम से कम सुमित्रा जी ले गई थी, वो 13,000 होते तो मैं 400-500 से क्यों हारता, तो पार्टी में तो अलग जीत है। ये तो हर व्यक्ति के है ना, जिसको जितना ज्ञान है वो इस तरह की बात करता है, पार्टी के वोट घटे नहीं है, बढ़ाए हैं हमने। मैं कांग्रेस का 17 सिपाही था और मंडा डांस पर 36 कांग्रेस टिकट मांग रहा था, लेकिन पार्टी ने मुझे नहीं देकर मेरे सहयोग की मानकर रीटा चौधरी जी को टिकट दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैं फिर रीटा जी चौधरी जी का फोन का इंतजार करता रहा, न रीटा जी ने फोन किया, न हमारे को फॉरम भरते समय बुलाया, तो मैं विजेंद्र जी ओला के साथ लग गया, 2 दिन खेतली भी प्रचार में गया। मंडावा विधानसभा क्षेत्र में मेरे सारे रिश्तेदार कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे थे, कांग्रेस को वोट देने का मेरा भी मन था। फिर अचानक 5 तारीख को शाम को एक फोन आया कि ढोकिया जी आपकी शिकायत आई है, आप कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा आपको एक भी सबूत दो, मेरे सारे रिश्तेदार पार्टी के साथ लगे हुए हैं, मेरे को रीटा चौधरी जी ने फोन नहीं किया, उनके साथ कैसे लगा, बाकी मैं भी मेरे सब लोगों का कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस को जिताना है। उसके बावजूद 6 तारीख को सुबह 11:30 बजे वोटर निकलता है कि आपको 4 लोगों पार्टी से डिस्कशन किया जाता है, ये बड़े बड़ा दुख हुआ। और उसके बाद मेरे कार्यकर्ताओं में अलग एकदम समाज छा गई और ये कहने लगे ये कैसे हुआ, किसी को भी आपने कहा नहीं कांग्रेस को वोट मत दो, फिर भी रीटा चौधरी तनाशाही के लोग आदेश लिखवा दिया, इसका हम विरोध करते।